अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल स्टडी विद होला। इस चैनल में आपको इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक और रिसर्च स्टडीज़ के मुतलक बहुत से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू कवर ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड टॉपिक्स एज सून एज पॉसिबल। आज का टॉपिक है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ये एक नॉवल है जो चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है। चार्ल्स डिकन्स ने बहुत ही खूबसूरती से इसमें सस्पेंस का एलिमेंट क्रिएट किया है, लव एंड हेट का कॉम्बिनेशन है। तो आपको बहुत ज़्यादा ये नॉवल पसंद आएगा। जैसे कि नॉवल के नाम से ही जाहिर है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, यानी कि दो शहरों की कहानी जो मुख्तलिफ शहर हैं। आइए देखते हैं। तो जी गाइस, आइए जानते हैं बैकग्राउंड नॉलेज। तो गाइस, इसकी जो सेटिंग है जी, टू जियोग्राफिक सेटिंग है इसकी। एक, जैसे कि हमने बात की अ टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की कहानी, तो एक इसमें शहर लंदन है और दूसरा जो है इसमें पेरिस है। टाइम जो है, एक्शंस बिगिंस इन 1755 एंड एंड्स इन 1793। फ्यू प्लॉट इवेंट्स एग्जिस्ट इन 1757। जो इसका स्टाइल जो है वो ग्रैंड रॉयस है। इसका नैरेटिव जो है वो थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट है। योनरा इसका हिस्टोरिकल है। टून जो इस नॉवल में यूज की गई है, जो चार्ल्स डिकन्स ने यूज की है, वो फैटलिस्टिक है और फॉरबॉडिंग है। सिंबल्स गाइस इसमें, द ब्रोकन वाइन कास, द मैडम डिफार्ज निटिंग एंड द मार्क्वेस। तो आइए गाइस, इसके जो करेक्टर्स हैं उनको जान लेते हैं, जो कहानी का मेन सोर्स होते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होती है। जी, पहला करेक्टर है चार्ल्स डार्नी, ये एक फ्रेंच अरिस्टोक्रेट है। दूसरा जो करेक्टर है वो सिडनी कार्टन का है, जो एक अल्कोहलिक अटर्नी है। और इनकी जो फिजिकल रिजेम्बलेंस है वो चार्ल्स डार्नी से मिलती है, यानी कि इनकी जो फेस सिमिलैरिटीज हैं और पर्सनैलिटीज जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। थर्ड जो करेक्टर है डॉक्टर मैनेट वुमेन। डॉक्टर जो मैनेट हैं, ये एक औरत हैं जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। मॉन्श्योर डिफार्ज, ये एक वाइन शॉप के ऑनर हैं, ये मेल करेक्टर हैं। फाइव जो है मैडम डिफार्ज, ये इनकी वाइफ हैं मिस्टर डिफार्ज की, जो कि क्रूअल पर्सनैलिटी की हामिल हैं। और ये बात करती हैं रेवोल्यूशनरी राइट्स के बारे में। तो एज अ औरत ये वो तमाम जो हैं राइट्स उस हवाले से, उस दौर में जो चल रहे थे रेवोल्यूशनरी और न्यू सिस्टम्स आ रहे थे, ये उनको सपोर्ट करती हैं। सिक्स जो करेक्टर है जार्विस लोरी। जार्विस लोरी एक बिजनेस मैन है जो कि काम करते हैं टेलीसन बैंक में। करेक्टर नंबर सेवन लूसी मैनेट, ये फ्रेंच खातून है, यानी कि जो इनकी आइडेंटिटी है वो फ्रेंच से है, बट ये जो रहती हैं वो इंग्लैंड में रहती हैं। उसके बाद जो एट करेक्टर है वो जेरी क्रंचर का है, ये एक अनएजुकेटेड मैन है और इंस्ट्रक्शन है। नाइन जो है मिस प्रोस है, ये एक किस्म की सर्वेंट है जो इनके घर पे काम करती हैं। टेन जो है मार्केस एवरमोंडे, ये एक फ्रेंच अरिस्टोक्रेट हैं। इलेवन जो है मिस्टर स्ट्रावर, ये एक एम्बिशियस लायर हैं। ट्वेल्व जो है जॉन बार्सर, ये एक ब्रिटिश पे हैं। थर्टीन जो है रॉगर क्ले, ये भी ब्रिटिश पे हैं। 14 जो है गैबल, ये केयर टेकर हैं ऑफ एवरमंडे एस्टेट के। तो जी गाइस, कहानी के करेक्टर से वाकफियत के बाद हम आते हैं मेन स्टोरी की तरफ। इस कहानी की मेन स्टोरी क्या है? इस नावल की कहानी का आगाज नवंबर 1775 की एक सर्द रात से होता है, जब मिस्टर जार्विस लॉरी लंदन टेंसन बैंक के एक सीनियर अहदेदार फ्रांस जाने की गरज से डॉवर का सफर अख्तियार करते हैं। डॉवर पहुंचने पर इन्हें लूसी मैनेट मिलती है। दोनों की मंजिल पेरिस है। पेरिस पहुंचने के बाद दोनों पेरिस के मुजाफात सेंट एंटोनी के करीब एक मैखाने जाते हैं, जो मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ज की मलकियत है। जैसा कि आपको पहले बताया गया, मिस्टर एंड मिस डिफार्ज जो हैं एक शराब खाने को चलाते हैं। ये दोनों लंदन से ताल्लुक रखने वाले एक बूढ़े शख्स डॉक्टर अलेक्जेंडर मेंट से मिलने आए हैं, जो 18 साल की तवील अरसे के बाद ही बेस्टाइल से रहा हुआ है। दर हकीकत डॉक्टर मेंट एक फ्रांसीसी बशिंदा है, जो 18 साल पहले अपनी बीवी और 2 साल की एक बेटी छोड़कर अचानक मंजरे आम से गायब हो गया था।
इसकी बीवी अपनी छोटी सी बेटी को लेकर अपने अबाई वतन इंग्लैंड वापस चली जाती है। होता क्यों है कि अपनी बेटी लूसी को टेल्सन बैंक की जिम्मेदारी पर छोड़कर मर जाती है। जब पता चलता है कि जी हस्बैंड जो है वो मौजूद नहीं है, तो बीवी जो है इस सदमे से मर जाती है और अपनी छोटी जो बेटी है टेल्सन नामी बैंक की जिम्मेदारी पर छोड़कर वफात पा जाती है। वही बच्ची जो अब एक नौजवान लड़की है जिसका के नाम लूसी है, मिस्टर लॉरी के साथ पेरिस में मौजूद है। डॉक्टर मैनेट की गुमशुदगी में एवरमन ब्रादरान का हाथ था, जो कि फ्रांस के जागीरदार तबके की नुमाइंदगी करते थे। एवरमन ब्रादरान में से एक भाई एक लड़की की इज्जतदारी करता है, यानी कि उसका रेप करता है, और जब लड़की की हालत बहुत नाजुक हो जाती है तो डॉक्टर मैनेट को इलाज के लिए बुलाते हैं। इस बदनसीब लड़की का भाई अपनी बहन की इज्जत को एवरमन जैसे लोगों से बचाने की कोशिश में खुद भी जख्मी हो जाता है और एक हफ्ते के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है और बाद में बेचारी लड़की भी चल बसती है। डॉक्टर मैनेट पेरिस पहुंचने पर पूरा जो वाकया है ये हकूमती हकाम को बताते हैं। उनकी ये जिम्मेदारी थी एज अ डॉक्टर के वो चेकअप करें, बट उनसे रहा नहीं जाता, उनका दिल नरम होता है, तो सारा वो हकूमत को बताते हैं। लेकिन एवरमन को गिरफ्तार करने की बजाय डॉक्टर मैनेट को अगवा कर लिया जाता है और इसको बगैर मुकदमे चलाने के 18 साल जो है इनको सजा दी जाती है कि आप जो हैं जी आप जेल में रहेंगे, आपका कसूर नहीं भी है बट आपने जेल में रहना है। ये जेल में रहते हैं, उसका नाम है बेस्टाइल। अपनी कैद के जब 10 साल इनके गुजर जाते हैं, 10 साल एक तहरीर में वो इसको कलम बंद कर देते हैं। ये सारी की सारी जो स्टोरी है वो एक बुक ले लेते हैं, एक किस्म की डायरी ले लेते हैं, उसमें सारी की सारी जो है अपने साथ जो उनके माजी में उनके साथ चीजें हुई हैं वो उसमें मेंशन कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि किसी दिन ये तहरीर जो है कोई ना कोई पढ़ेगा, ठीक है। और इसी जगह वो छोड़ जाते हैं जहां के वो कैद हैं। जेल में किस्मत डॉक्टर मैनेट पर एक और कार्रवाई करती है जहां वो अपना जहनी तवाजन खो बैठते हैं, यानी कि उनकी जो याददाश्त होती है, मेमोरी होती है, इतने सदमात लेने के बाद वो खत्म हो जाती है और इस हकीकत से बेखबर कि वो एक डॉक्टर हैं और जूते बनाने का काम शुरू कर देते हैं। जी कितनी ये दर्दनाक कहानी है कि एक डॉक्टर है, उस पर इतना जुल्म किया गया है कि अपनी याददाश्त खो बैठा है और जूते बनाने का काम करने जी कहां एक पढ़ा लिखा इंसान जो है जूते बनाने शुरू कर देता है। 18 साल बाद इसकी गैर मतवक रहाई भी इसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं ला पाती। लूसी और मिस्टर जारूस लॉरी जो हैं पेरिस के एक मेहखाने पर डॉक्टर मैनेट से मिलते हैं और तब यह हकीकत आश्कार होती है कि लूसी इसी डॉक्टर मैनेट की बेटी है। लूसी और मिस्टर लॉरी डॉक्टर मैनेट को अपने साथ जो है वो लंदन ले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे 5 साल गुजर जाते हैं। 1780 में डॉक्टर मैनेट जो अपनी बेटी की मोहब्बत और तवज्जो के बायस सेहत याब होकर अपनी जिंदगी की तरफ लौट तो आते हैं, अब लंदन में रहाइश पजीर हो गए हैं अपनी बेटी के साथ, जहां उसे एक तरफ मिस्टर लॉरी जैसे दोस्त का साथ मिल गया, दूसरी तरफ अपनी बेटी का बेटी की मोहब्बत और बाप बेटी जो है एक साथ हो गए, ठीक है। इसी की तरह और भी इनके दो पर्सन जो हैं इनकी लाइफ में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे जरा एक सस्पेंस क्रिएट किया, वो दो लोग कौन हैं? एक का नाम जी चार्ल्स डार्ने है जो एक फ्रांसीसी बशिंदा है, दूसरा का नाम जो है वो सिडनी कार्टन है जो इंग्लैंड से ताल्लुक रखता है, यानी कि एक जो है यहाँ पे फ्रेंचमैन है, दूसरा जो है इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं। दो सिटीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि चार्ल्स डार्ने जो है वो एवरमन ब्रादरान में से एक का बेटा है, ये यहाँ पे सस्पेंस है, लेकिन फिलहाल वो बजाते खुद इन तमाम मसाइब से बेखबर है। उसे ये पता नहीं है कि जी ऐसे माजी में चीजें हो चुकी हैं जो कि डॉक्टर मैनेट को एवरमन ब्रादरान की वजह से माजी में वो जेल में रहे, उन पे मुकदमा हुआ, ठीक है, उन्होंने सजा काटी, उन्होंने अपनी याददाश्त खोई। डॉक्टर मैनेट भी इस असलियत से वाकिफ नहीं है। डार्ने और कार्टन दोनों ही लूसी की मोहब्बत में जो कि डॉक्टर मैनेट की बेटी है उसमें गिरफ्तार है, लेकिन लूसी जो है बजाते खुद पर्सनली वो पसंद करती है, किसको पसंद करती है आपके ख्याल में? वो डारने का इंतखाब करती है। कार्टन लूसी की शादी के बाद भी
डॉक्टर मैनेट के घर आता जाता है डार्नी, और लूसी जो है वो शादी कर लेती हैं। लेकिन सिडनी कार्टन में भी एक किस्म की उसके दिल में एक मोहब्बत होती है जिसकी वजह से उनसे मेल मिलाप खत्म नहीं करता। और यहाँ पे एक बात आपको बताती चलूं कि जो चार्ल्स डार्नी है और लूसी कार्टन की शक्लें जो है ना, जो सिडनी कार्टन है और चार्ल्स डार्नी है, शक्लें बहुत ज्यादा इनकी मिलती जुलती हैं, जिसका किरदार आपको आगे चल के नजर आएगा। कुछ साल गुजर जाते हैं, 1789 आ जाता है और फ्रांस अपनी तारीख के बदतरीन हालात से दो चार है। सेंट एंटोनेट के बशिंदे मिस्टर और मिस्टर डिफार्ज की सरबराही में बगावत के लिए उठ खड़े होते हैं और इन तमाम अमलाक पर कब्जा कर लेते हैं जो कि हुकूमत की मलकियत थे। हुकूमत का बहुत ही ज्यादा इसमें जबरो इस्तबदाद का मुंह बोलता यहाँ पे ये प्रूव है। 3 साल बाद सियासी हालात में कोई बेहतरी आने की बजाय फ्रांस मजीद तबाही की तरफ गामजन है। फ्रांस के बशिंदा और मलका को महल से निकालकर जेल में डाल दिया जाता है। टेलसन बैंक मिस्टर लोरी को अपने पेरिस ब्रांच के मामला संभालने के लिए फ्रांस भेजता है। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों चार्ल्स एवरमंडे को भी हालात पेरिस जाने पर मजबूर कर देते हैं और चार्ल्स डार्नी लूसी और डॉक्टर मैन को बताए बगैर अकेला ही पेरिस की तरफ रवाना हो जाता है। चार्ल्स डार्नी ने, जो कि फ्रांस के जागीरदार तबके से ताल्लुक रखता है, पेरिस पहुंचने पर बागी इसको गिरफ्तार कर लेते हैं और ला फोर्स, एक जेल का नाम है जी ला फोर्स, उसमें डाल देते हैं। जागीरदार तबके से ताल्लुक रखना ही इसका एक ऐसा गुनाह है जो बागियों के नजदीक नाकाबले माफी जो है सजा है, और इसको जो अंदर डाल लिया जाता है। डॉक्टर मैनेट और लूसी जो है, जब उनको ये पता चलता है तो फटाफट जल्दी से पहली शिफ्ट में जो है पेरिस आ जाते हैं और मिस्टर लोरी, जो कि पहले से ही पेरिस में मौजूद था, उससे मिलते हैं। इनकलाबी लोग डॉक्टर मैनेट का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल करते हैं, जो कि बेस्टाइल की जेल में एक तवील अरसे से लोगों के लिए काबिल एहतराम बन जाता है। बागियों की तरफ से फ्रांस में जुल्म जबर का बाजार गर्म है और जागीरदार तबके से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों लोगों को अमवाद के घाट उतार दिया जाता है। यहां तक कि फ्रांस के बशिंदे जो हैं बादशाह और मलका जी, एक बहुत ओहदा होता है, उनके साथ भी यही सलूक किया जाता है। फ्रांस में इस दौर को दहशत पसंदी का नाम दिया जाता है। 15 माह की तकलीफ दा इंतजार के बाद दारने की रहाई डॉक्टर मैनेट की इंतहाई कोशिश के बाद अमल में आती है। लेकिन यहाँ पे आप किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि डारने को दोबारा इसी रात गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब डारने को मिस्टर और मिस्टर डिफार्ज और एक शख्स जो कि अभी गुमनाम है की तरफ से मुजरिम ठहराया जाता है। डारने ने एक मरतबा फिर अदालत के कटघरे में खड़ा है, जहां मिस्टर डिफार्ज की तरफ से एक तहरीर अदालत को दी जाती है जो कि बेस्टाइल के कैद खाने से मिस्टर डिफार्ज को मिलती है। ये खत डॉक्टर मैनेट का तहरीर करता है जिसमें वो एवरमंडे ब्रादरान के पूरे खानदान को मुजरिम ठहराते हैं। आपको याद होगा कि डॉक्टर जो मैनेट है, उन्होंने एक तहरीर लिखी थी अपने सारे जुल्मों सितम की कहानी, ये इनके हाथ लग जाती है। तहरीर जो है अदालत में आवाज बुलंद पड़ी जाती है। अब अदालत और बागियों का हजूम जो है अदालत में लगा हुआ है, रश बहुत ज्यादा है। दोनों की हमदर्दियां डारने के साथ एकदम से खत्म हो जाती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि डारने को सजाए मौत का ऐलान कर दिया जाता है। डारने को जेल में डाल दिया जाता है। 24 घंटे बाद इसको क्या होता है, सजा दी जाती है फांसी की। फांसी की सजा जिसके बाद बचने का कोई चांस नहीं। लेकिन लूसी और डॉक्टर मैनर जो है पेरिस जाने के बाद सिडनी कार्टन जो है वो लूसी की मोहब्बत में गिरफ्तार था, वो भी आ जाता है पेरिस में। वो कहता है कि जी मैं इसको बचाऊंगा, मैं, ये मेरी मोहब्बत है, ठीक है, मैंने इसको बचाना है इसके हस्बैंड को। तो वो क्या करता है, चार्ल्स डार्ने को जब ये मौत की सजा होती है तो कार्टन जो है एक मंसूबा तैयार करता है कि डार्ने जो है इसको मैंने बचाना है, तो वो क्योंकि मेरी एक मोहब्बत है जी, मैं इसको किसी हाल पे, उसको सजा तो हो गई है, बट जहाँ पे जो है सिडनी गार्डन का बहुत ही अहम किरदार है, इसने एक प्लान बनाया है, ठीक है। अब इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए इसको एक शख्स की जरूरत है जो कि लंदन में एक जासूस है। अब पेरिस में वही काम बागियों के लिए सर अंजाम दे रहा है और इसी शख्स के पास जेल की चाबियां हैं जहां डार्ने ने अपनी मौत का इंतजाम किया हुआ है।
बारसेड की मदद से इसका नाम जो है बारसेड है, जो अब यहाँ पे सिन्नी कार्टन की मदद करेगा जेल में डॉर्ने के पास पहुंचने में। अपने साथ एक बेहोश करने वाली दवा ये ले जाता है और अब कार्टन जो है डॉर्ने को मजबूर करता है कि जो अपना लिबास है वो चेंज कर दो, मतलब जो सूट तुमने पहन रखा है उसको मुझे पहना दो, क्योंकि आपको बताया था कि इन दोनों में रिजेंबलेंस है, तो यही रिजेंबलेंस जो है इनकी यहाँ पे मदद करने वाली है। कार्टन इनकार सुनने के बाद डॉक्टर जो जार जाने है वो कहता है भाई मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे सजा मिली है सजाए मौत, मैं तुम्हें क्यों दूं। बट सिडनी कार्टन मोहब्बत के लिए, अपनी मोहब्बत लूसी के लिए, कि मैं क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो उससे मोहब्बत करती है और ये अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी देने के लिए अपना लिबास जो है वो चेंज करके चार्ल्स डार्ने के साथ अपने आप को उसकी जगह पर बिठा लेता है और उसको जो है बेहोश करके, ठीक है, बारसेड की हेल्प से इसे गाड़ी तक पहुंचा देता है जहां मिस्टर लूरी और लोसी जो है इसकी आमद का इंतजार कर रहे होते हैं। कार्टन और डार्ने की मुशाबत ही की वजह से इनको कामयाबी मिलती है और कार्टन जो है जेल में बागियों वाले लिबास में पहन के बैठा होता है कि जी ठीक है अब सजा जो है मुझे मिल जाए। तो ये एक ऐसी जो है दास्तान थी जो बहुत ही खुशगवार भी थी और कुछ दुखी भी थी, ठीक है, और कुछ सस्पेंस भी भरा हुआ था। इसके कुछ थीम्स हैं, जो पहला थीम है द एवर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी ऑफ रिसरेक्शन, जो सेकंड थीम है द नेसेसिटी ऑफ सेक्रीफाइस, जैसे कि सेक्रीफाइस जो है ये छोटा सेक्रीफाइस नहीं था, अपनी जान की बाजी लगा देना अपनी मोहब्बत के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। द टेंडेंसी टुवर्ड वायलेंस एंड ऑपरेशन एंड ऑपरेशन इन रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, जो मिस्टर डिफार्ज का रवैया था लोगों के लिए, बादशाह के लिए, मलका के लिए, ठीक है, और लोगों पे वायलेंस करना, लोगों पे तशद्दुद करना, आमराना जो निज़ाम है वो वहां पे था, और बेगुनाहों को सजा देना, सप्रेस कर देना, वायलेंस करना। तो जी गाइस, सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा लोगों का है इसमें, ठीक है, कुर्बानियों पे ये कहानी स्टैंड कर रही है। जो फिफ्थ इसका थीम है वो क्लास है, यू कैन सी क्लास डिफरेंस क्लियरली, अमीरों के साथ क्या सलूक है, गरीबों के साथ क्या जरूर है। मिस्टर और मिस्टर डिफार जो हैं वो मैं खाने चला रहे हैं, शराब खाने चला रहे हैं। इसके अलावा जो है सिक्स जो है जस्टिस, ठीक है, डॉक्टर मैनेट को जस्टिस नहीं मिलता। इन्होंने एक गरीब लड़की की मदद की जिसके साथ रेप हो चुका था, सारी कार्रवाई जाके अदालत को सुनाई, उल्टा के इनको जो है इस बात पे हराज तकसीम पेश किया जाता, इन्हें सजा दे दी गई, ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं थी कि उनकी पूरी जिंदगी खराब कर दी गई, उनकी याददाश्त खराब होगी, उनके साथ जुल्म सितम किया गया, तो जस्टिस की कमी देखने में आती है। उम्मीद करते हैं गाइज आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक अवर वीडियोज काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।